इन दोनों सुकमा डुकमा बांध पर सैलानियों की भारी भीड़ जमा हो रही है। बीते रोज 15 अगस्त को यहां रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली। बांध से लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क पर वाहनों का हुजूम लग गया। बांध के जलप्रपात के खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे थे। वहीं कुछ लोग पानी की तेज जलधारा के बीच पहुँच कर जान को जोखिम में डालकर रिस्की सेल्फी भी लेते नजर आ रहे थे। इतनी भीड़ में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई। आपको बताते चले कि झांसी जिले से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर ललितपुर जिले की सीमा पर बने सुकमा डुकमा बांध को अंग्रेजी शासन काल में बनवाया गया था, जो सुकमा गांव के पास बने होने की वजह से इसका नाम सुकमा डुकमा रखा गया। बरसात के दिनों में जब राजघाट और माता टीला बांध से पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ बांध के ऊपर से पानी फ्लो होता है और यह नज़ारा मन को बेहद ही लुभाने वाला होता है। यही कारण है कि इस बांध पर छुट्टी के दिन में लोग खासी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। इस बांध से पानी झरने की तरह हमेशा गिरता है, जो काफ़ी आकर्षित भी लगता है। यहाँ कई बार लोग सेल्फी लेने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। बीते रोज भी जब पूरा देश आज़ादी का पर्व मना रहा था तब बहुत से लोग यहाँ छुट्टी मना रहे थे। सेल्फी के चक्कर में लोग अपनी जान की परवाह किए बिना पानी के अंदर तक चले जाते हैं। पुलिस तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रमों में व्यस्त होने के चलते यहाँ सुरक्षा के खास इंतजाम नहीं कर पाई और इक्का दुक्का सिपाहियों से यहाँ आने वाली भीड़ नहीं संभल पा रही थी। कल यहाँ लगभग 5,000 से अधिक लोगों का जन सैलाब देखने को मिला। लोगों की भीड़ की वजह से 2 किलोमीटर पहले वाहन खड़ा करके लोगों को पैदल बांध तक पहुँचना पड़ रहा था। वहीं इस भीड़ का फायदा उठाकर कुछ दुकानदारों ने भी अवैध तरीके से दुकान लगाकर खाने पीने के सामान को 2 से 3 गुने दामों में बेचा। पानी काफी है लेकिन आप अपने बच्चों को पानी की तरफ ले जा रहे हो, इतना तेज बहाव है और आप लोगों को मैं भी दूर रखा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पानी है, काफी देखभाल से ला रहे हैं। आप बताइए, आप ये बच्चे साथ में हैं आप लोगों के, हमारे साथ बहन भाई हैं, आपकी बाइक साथ में है, आप लोगों को कैसे लगा पानी? इंजॉय ऐसा कैसे इंजॉय है कि मालूम पानी के पास में आप लोग जाके सेल्फी ले रहे हो, यहाँ काई लग जाती है ना, तो डर तो है। हाँ, थोड़ा बहुत डर तो है, डर तो है, डर तो है। अभी हम इन लोगों से पूछ रहे थे कि आपको डर नहीं लगा, लेकिन लोगों को डर और भय है ना, ही पुलिस का डर है ना ही इन्हें पानी का डर है, फिर भी ये पानी के पास पास जा रहे हैं। पीछे देखिए, यहाँ पे पानी में लोग बैठे हुए हैं, पुलिस इतना मना कर रही है, उसके बावजूद भी ये लोग सेल्फी खींचने के चक्कर में और पानी के पास जा रहे हैं। कैमरा मैन से बोलूँगा पीछे दिखाइए, ये लोग सेल्फी के चक्कर में कहीं ऊपर पट्टियों से बैठे हुए हैं जहाँ पे काई लगी हुई है और वो सेल्फी के चक्कर में से पुलिस बार बार भगा रही है तो दुर्घटना ना हो जाए। पुलिस के साथ मना करने के बाद ये लोग नहीं मान रहे हैं। और ये 110 साल पुराना सुकमा डुकमा डैम एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, एक अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ डैम है, इसको देखने के लिए पर्यटक बड़ी दूर दूर से आते हैं और ये बरसात के मौसम में ही एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ ऊपर से झरना रहता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुलिस बिल्कुल पानी के किनारे लोगों को मना कर रही है और पूरे पानी के किनारे बबीना थाना क्षेत्र की पुलिस यहाँ पे बड़ी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है, पानी के किनारे जाने को तैयार। मैं जी, आप कहाँ जा रहे हैं यहाँ पानी के किनारे? आपको डर नहीं लग रहा? हमने इनसे बात करने की कोशिश की, हमारे कैमरे को देखकर भागते हुए नजर आ रहे। बेटा, आपको डर नहीं लग रहा है? यहाँ पे पानी है, बबीना से विजय वर्मा के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट। डॉक्टर जय कुमार साहू जनरल फिजिशियन MAMS व डॉक्टर शिखा साहू स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MAMSCGO श्री साई हॉस्पिटल बबीना की ओर से समस्त बबीना नगर वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्रम ग्रार पुत्र गौरवादी श्री संजय ग्रार बबीना टेंस ठेकेदार आप सभी लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर झंडा हर घर तिरंगा का आह्वान किया है, ठीक है। आप लोग तिरंगा अपने घर पर अवश्य लगाएं। धन्यवाद। मैं अभय जैन सेक्टर प्रभारी भाजपा मंडल, मैं देशवासियों को और नगरवासियों को
15 अगस्त की सब कुछ हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अपने अपने घर पर हर घर तिरंगा होना चाहिए और फहराएं। मैं डॉक्टर अंशुमन तिवारी, निरीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना की तरफ से मैं समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सभी से अनुरोध करता हूं कि हर घर तिरंगा स्वतंत्रता दिवस पर अवश्य फहराएं एवं जिस तरह सरकार ने अभी सभी को बूस्टर डोज फ्री में प्रिकॉशन डोज लगवाने का आग्रह किया है, तो सभी प्रिकॉशन डोज अवश्य लगवाएं 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक। धन्यवाद। मैं दीनदयाल पहलवान, बबीना रूरल प्रधान, सभी ग्राम वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और 11 से 17 तक अपने घर घर झंडा लगाएं और 17 तारीख को सर सम्मान सहित उसको अपने घर में तय लगाकर जैसे भी आप रख सकते हो झंडा को रखें, कहीं व्यर्थ में ना जाने दें। वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे इसका अपमान ना हो सके, इसीलिए सभी को मैं साथ साथ बधाई देते हुए। नमस्कार, मैं मुकुल राय, आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से 15 अगस्त व 75वें वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल साहू, बीके होंडा बबीना से। आप सभी बबीनावासी एवं देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं जितेंद्र टंडन, MES कॉन्ट्रैक्टर। मैं अपने सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो 75वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा है, उसमें हर व्यक्ति अपने घर में झंडा लगाए और झंडा लगा करके ये एक पूरे राष्ट्र में मैसेज पहुंचना चाहिए कि ये हिंदू देश है। इसी अवसर पे मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू।